बजे सुबह के 9 और हमारी फ्लाइट है 12 बजे की और हम लोग सब रेडी हो चुके हैं। बस हम लोग यहाँ से 10 मिनट में निकलने ही वाले हैं। हमारा सारा सामान पैक हो चुका है, हम पूरे रेडी हो चुके हैं। नहा लिया, ब्रश कर लिया, नाश्ता कर लिया, चाय भी पी लिया। बस हमें फटाफट से घर को लॉक करना है और 10 मिनट में हमें यहाँ से निकलना है क्योंकि हमारी 12 बजे की फ्लाइट है। तब तक आप लोग मेरे घर में बने रहिए। चुके हैं, सारी पैकिंग हो चुकी है, बस हम लोग 5 मिनट में यहाँ से निकलने वाले हैं। हमारा सामान पूरा रेडी हो चुका है, सब पैकिंग हो चुकी है, बस 5 मिनट में हम लोग बस यहाँ से निकलने वाले हैं। तब तक तो फ्रेंड्स हम लोग अभी एयरपोर्ट पहुँच चुके हैं। तो दोस्तों फाइनली हम लोग फ्लाइट के अंदर आ चुके हैं और उड़ने को एकदम तैयार है। दोस्तों मुझसे तो वेट ही नहीं हो रहा है कब ये फ्लाइट उड़ेगी। मैं बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड उड़ने के लिए। मैं जब घर से आ रही थी तो मुझे घर में काफ़ी लोगों ने कहा डरना मत, लेकिन मुझे बिल्कुल भी डर नहीं लग रहा है।
दिल्ली एयरपोर्ट में हमारी फ्लाइट लैंड हो चुकी है और इस वक्त हम लोग दिल्ली पहुंच चुके हैं। मुझे तो फ्लाइट में बहुत ही मज़ा आया। जैसा कि आपको मैंने इसके पहले बताया कि घर पे मुझे काफ़ी लोग बोल रहे थे डरना मत, क्योंकि मुझे ऊंचाई से बहुत डर लगता है। तो सबको लग रहा था मेरी फर्स्ट फ्लाइट है तो शायद मैं देख के शायद डर जाऊँ तो मुझे शायद दिक्कत हो, लेकिन मुझे डर तो बिल्कुल भी नहीं लगा। मैं तो बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड थी और मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा। अभी लगभग शाम का टाइम हो रहा है, लगभग 5 बज रहे हैं। हम लोग पुणे से करीब 2 बजे से हमारी फ्लाइट थी और पुणे से दिल्ली उसका हमारा 1 घंटे 45 मिनट का था समय। इतने टाइम पे हम लोग यहाँ पहुँच गए हैं। अब यहाँ से हमको रात को करीब 9 बजे हमारी टूरिस्ट बस है मनाली की, तो हम लोग वहाँ से निकल जाएंगे मनाली के लिए। तब तक आप मेरे ब्लॉग पर बने रहिए और मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए और जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कीजिए। अब मिलते हैं मेरे आगे आने वाले ब्लॉग पर, तब तक आप मेरे ब्लॉग पर बने रहिए।